नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जब से DRDO के अग्नि 5 के टेस्ट को लेकर बयान आया है, तभी से चीन ने यह सोच लिया है कि भारत चीन से डरता है और चीन के डर के कारण ही भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट तक रोक दिया है। और अग्नि 5 मिसाइल से हम भारतवासियों की कई सारी उम्मीदें भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि यदि यह मिसाइल भारतीय सेना को मिल जाती है तो भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाता है जिनके पास MRV तकनीक है, अर्थात एक मिसाइल से 10 मिसाइलों के बराबर तबाही भारत अकेले मचा सकता है। परंतु दोस्तों, चीन के डाले गए अड़ंगे की वजह से और जो कुछ कारण थे उनकी वजह से भारत को इस मिसाइल का टेस्ट जो है वो रोकना पड़ा। और DRDO ने ऐसा बयान दिया कि अग्नि 5 के यूजर ट्रायल को लेकर DRDO की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो इसको लेकर भारतवासियों के मन में एक छोटी सी मायूसी भी आ गई कि क्या चीन को लेकर भारत डर गया और अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट भी रोक दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से DRDO ने जो ऐलान किया है अग्नि 5 मिसाइल को लेकर वो आपको बताऊंगा। और सबसे पहले बताता हूं जो वाजिब कारण है अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को रोकने का। तो दोस्तों, DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को पोस्टपोन करने को लेकर कोई भी रीजन नहीं दिया है, परंतु भारत के डिफेंस एक्सपर्टों के हिसाब से दो रीजन निकल के सामने आए हैं। पहला तो रीजन है कि अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट जो किया जाना था वो किया जाना था बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में बहुत बड़ा साइक्लोन आया है जो कि भारत के उड़ीसा तट से जाकर टकराएगा। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि अग्नि 5 जो मिसाइल थी वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थी और इसमें भारत की न्यूक्लियर पावर का टेस्ट भी किया जाने था। और ऐसे में यदि बे ऑफ बंगाल में अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट होता और इससे एक हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशन का एक एनवायरमेंट तैयार हो जाता और हो सकता है कि साइक्लोन के साथ यह भारतीय तटों से आकर टकराता, जिससे भारतीय जनता के आम जीवन को बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता था। और दोस्तों, यह एक वाजिब कारण भी लगता है मुझे अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को पोस्टपोन करने का। दोस्तों, दूसरा जो कारण बताया जा रहा है, इस समय जब 23 से 24 सितंबर को अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल किया जाना था, तो ऐसे में ही संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था और इस सेशन में जो सबसे खतरनाक तानाशाह है किम जोंग उन, उसकी भी दम नहीं पड़ती कि अपनी परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर दे, क्योंकि ऐसे में परमाणु मिसाइल के परीक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का मुद्दा जोरों शोरों से उठ जाता और फिर भारत की जो इमेज दुनिया के सामने बनी है वो कुछ ही समय में खराब हो जाती, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र परमाणु परीक्षण के साफ साफ खिलाफ है। और यदि ऐसे में भारत परमाणु परीक्षण करता तो चीन और पाकिस्तान को एक मुद्दा मिल जाता भारत को संयुक्त राष्ट्र में घेरने के लिए। अब जानते हैं दोस्तों कि DRDO की तरफ से क्या बयान निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, अगले 20 दिन तक साइक्लोन का चक्कर है जिसके कारण से DRDO अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट नहीं करेगा, परंतु उसके बाद DRDO किसी भी समय अग्नि 5 के मिसाइल का टेस्ट करके दुनिया को सदमे में डाल सकता है। और खास करके इस टेस्ट से चीन बहुत ज्यादा फड़फड़ाने वाला है, क्योंकि चीन को भी पता है कि अग्नि 5 मिसाइल कितनी खतरनाक है। बाकी आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।